सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। यूपी राजस्थान में हीट वेव की संभावना, दिल्ली में बढ़ सकता है तापमान, कई राज्यों में होगा भारी बारिश का अलर्ट। स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भाजपा ने हमेशा तेलंगाना के गठन को दिया समर्थन, नहीं किया सौतेला व्यवहार। पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई का आरोप पत्र, पुलिस अफसरों की पोस्टिंग में अनुचित प्रभाव डालने का आरोप। महंगाई थामने के उपायों का जिंस बाजार में दिख रहा असर, निर्यात प्रबंधन से गेहूं के बढ़ते खुदरा मूल्य में गिरावट का रुख कायम। बड़गाम में प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने मारी गोली, एक की मौत दूसरा घायल। दाऊद की तरह यूपी में साम्राज्य खड़ा करना चाहता था टीडू गैंग, 6 नामों से खरीदी करोड़ों की संपत्तियां। अमरोहा में बिक गई 65 बीघा तालाब की जमीन, 30 साल तक अधिकारी दबाए रहे आदेश, अब मामला खुलकर आया सामने। अब मार्कर करेगा ओरल कैंसर की पहचान, इलाज में विटामिन ए की अहम भूमिका। मंदिर निर्माण के पहले ही तैयार होंगे दोनों मार्ग, रोज की समस्याओं से मिलेगी मुक्ति। अवैध निर्माण की शिकायतों पर एलडीए का बड़ा एक्शन, बदले 6 जोन अधिकारी। भारतीय मूल की अमेरिकी छात्र ने रचा इतिहास, 21 शब्दों का सही उच्चारण कर जीता खिताब। अमेरिका में फिर हुई गोलीबारी, चर्च के बाहर फायरिंग में 2 लोगों की मौत, शूटर भी ढेर। सुरक्षा परिषद की बैठक में आतंकवाद के खिलाफ भारत ने मजबूती से रखा अपना पक्ष। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने शहबाज सरकार को किया आगाह, 3 टुकड़ों में बट जाएगा पाकिस्तान, परमाणु ताकत भी खो देगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट में दावा, साल 2021 में भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट से पहले अपनी तैयारियों पर बोले सिराज, कप्तान रोहित की तारीफ की। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन गिरे 17 विकेट, न्यूजीलैंड 132 रन पर ढेर, तो इंग्लैंड की हालत भी पहली पारी में सख्त। शाकिब अल हसन को बनाया गया बांग्लादेश की टेस्ट टीम का कप्तान। पहला मैच खेलने उतरे इंग्लिश गेंदबाज का कहर, न्यूजीलैंड महज 132 रन पर ढेर। आईपीएल के प्रदर्शन पर पूर्व ओपनर ने चुनी टी20 विश्व कप टीम, विराट कोहली, ऋषभ पंत और कप्तान रोहित शर्मा टीम से बाहर। दुनिया भर में 5000 स्क्रीन पर रिलीज हुई अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज, यूपी समेत 3 राज्यों में टैक्स फ्री। दिल्ली में 22 साल के शैल सागर नामक सिंगर का हुआ निधन। सलमान खान, सारा अली खान, शाहिद कपूर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिया भाग, अनन्या पांडे और फरहान खान भी आए नजर। अंकिता विक्की ने स्मार्ट जोड़ी का जीता खिताब, मिला खास तोहफा।
महेश बाबू की नई फिल्म का ऐलान, ऑफर हुए 20 करोड़ रुपए। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।